चलते हैं, पापा बुला रहे हैं। सारा सामान तैयार हो गया है। जी पिताजी, सारा सामान रेडी है। भैया पिकनिक में कितना मजा आ रहा है ना। भैया चलो देखते हैं हम दोनों में से पानी के अंदर ज्यादा देर तक कौन रह सकता है। चलो शुरू करते हैं। अरे अब तो निकलाओ, मैं हार गया। कब तक बैठी रहोगी? क्या और भी कोई है जो हमारी तरह रह सकता है पानी के अंदर? हाँ, डॉल्फिन भी पानी के अंदर रह सकती है। इसी प्रकार और भी अन्य मछलियाँ भी तो पानी के अंदर रह सकती हैं। वे भी तो पानी में आसानी से तैर सकती हैं। बच्चों, मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है और उनकी जो पूंछ और जो शल्क पाए जाते हैं वे भी गति करने में सहायक होते हैं। डॉल्फिन मछली के सिर पर बने छिद्र से समुद्र की सतह पर आकर वो सांस लेती है, हवा अंदर लेकर पानी को बाहर छोड़ती है। मछलियाँ तो गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं और जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वो तड़प तड़प कर मर जाती हैं, क्योंकि उनका शरीर पानी में रहने के लिए ही अनुकूलित होता है। वे जल में ही रह सकती हैं। पिताजी, जब हम पिकनिक गए थे हमें कितना मजा आया था। हाँ, वहाँ हमने बहुत सारे जीव जंतु भी देखे थे। पिताजी, क्यों ना घर चल के हम अपनी वो एल्बम देखें जिसमें हमने सुंदर सुंदर फोटो खींच रखे हैं। अपनी पिछली पिकनिक की एल्बम से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हाँ देखो, ये ऊँट, क्या तुम्हें पता है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि इसका शरीर रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसके लंबे पैर होते हैं, गद्देदार पंजे होते हैं और यह जल का भी संचय आसानी से कर सकता है। क्यों, है ना? हाँ, और ये एक ही बार में 100 लीटर से अधिक जल पी लेता है और कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। शिवाय, क्या तुम्हें पता है पहाड़ी ऊँटों के 2 कुबड़ होते हैं जिससे वे जल और भोजन का अधिक मात्रा में संचय कर लेते हैं। हाँ, और फोटो देखते हैं दीदी। ये देखो, याक के कितने घने बाल होते हैं ना। जब हम याक पर बैठे थे तो कितना मजा आया था। याक आसानी से पहाड़ों पर रह सकता है ठंड में। बिल्कुल शिवाय, क्योंकि सभी जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुकूलन के हिसाब से ढल जाते हैं, इसीलिए वे आसानी से पहाड़ों पर रह सकते हैं। हाँ, और बकरियाँ भी तो देखो, वो भी तो कितनी आसानी से पहाड़ों पर इधर उधर घूम रही थी, जो कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत दुर्गम कार्य होता है। हाँ पिताजी, हमने देखा था कि वे आसानी से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाकर अपना भोजन खा रही थी, लेकिन हमें तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पिताजी, वुड फ्रॉग नामक मेंढक, जब शीत ऋतु में सारी चीजें बर्फ से ढक जाती हैं, तब यह मेंढक भी पूरी तरह से जम जाता है। उसके दिल की धड़कन महीनों तक रुक जाती है। ऐसा लगता है कि यह मृत हो, पर ग्रीष्म ऋतु आने पर ही यह दोबारा जीवित हो जाता है। और भालू, हाँ भालू भी शीत ऋतु में महीनों तक एक लंबी और गहरी नींद में सो जाते हैं। इसके लिए वे ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक भोजन करके शरीर में अत्यधिक वसा जमा कर लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार पौधे भी अपने वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे वर्षावनों की पत्तियां बेहद बड़ी होती हैं ताकि उनकी सतह से अधिक वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम इवेपोरेशन भी कहते हैं, वो हो सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जरूरत से अधिक जल होता है। मरुस्थल में पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं वे या तो बिल्कुल छोटी होंगी, कांटों में बदल जाती हैं ताकि इनकी सतह से कम वाष्पोत्सर्जन हो। इन पौधों की जड़ें भी जमीन में काफ़ी गहराई तक जाती हैं ताकि अधिक से अधिक पानी सोख सकें, क्योंकि वहाँ जल की बहुत अधिक कमी होती है। पिताजी, इतनी मज़ेदार बातें और भी बताइए ना पौधों के बारे में। और भी बातें मैं तुम्हें इस वीडियो के दूसरे भाग में बताऊंगा।